हाँ तो सदनो, ये छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। कथा है खातन खाती की। तो सदनो, एक नगरी के अंदर खाती और खातन रहा करे कि भाई रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और जो कि खाती की औरत थी खातन, वह एक बाबा रामदेव की महान भक्त थी। तो बाबा रामदेव की भक्ति किया करती थी, तो उनकी छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो बताया कवि ने कि भाई जति सती संसार में किस पर कि भाई जति सती संसार के अंदर किस प्रकार नाम कमा जाते हैं। अरे मोह ममता तृष्णा में फंस के के मानस चक्कर खावे, बंसी वाला बन बाजी करे तगड़ा नाच नचावे, बंसी वाला बन बाजी करे तगड़ा नाच नचावे। बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे। बतायो मोह ममता तृष्णा में पसके मानस चक्कर खावे, बंसी वाला बनबाजी कर तगड़ा नाच नचावे। किसी समय एक नगरी में रे तेते खातन खाती, किसी समय एक नगरी में रे तेते खातन खाती। ईश्वर ने संतान नहीं दी चिंता यही सताती, ईश्वर ने संतान नहीं चिंता यही सताती। ओ पावे, बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे। एक नगरी के अंदर खाती और खातन रहते थे प्रेम से, लेकिन भगवान दीनबंध दीनानाथ की मेहर ऐसी हुई, बाबा रामदेव की भक्त होते हुए भी खातन के कोई संतान नहीं।
तो रोज रोज आपस के मायने खाती से खातन कहा करती है पति दी, अपने संतान नहीं कोई पुरबला जन्म के मायने अपना सिकटी कसियो कौन सो पाप जो कि जन्म के मायने भोगनो पड़ रही हो। तो एक दिन का समय के बतायो, सावन का महीना था, तीजू का त्योहार था, और क्या मेरे सदन वो भी सोला श्रृंगार करके एक कुएं को पर पानी लेने के लिए चली जाती है। सज दज करके तीज खेलने खातन चाली जा रही, सज दज करके तीज खेलने खातन चाली जा रही, मुख देखन का धर्म नहीं एक सातन बोली मारी, मुख देखन का धर्म नहीं एक सातन बोली मारी, ओ बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे, बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे, तगड़ा नाच नचावे रे, तगड़ा नाच नचावे, बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे। कोई को पर चली जाती है, जाकर के मेरे सदनों खड़ी हो जाती है, तब लुगाई औरत इकट्ठी खूब काफी हो रही थी, तो मेरे सदनों लुगाई दो ही जगह ज्यादा बात कर वो करें से, एक तो या तो कोई जंगल जाए जी टाइम, और या कुआ का माड़ सारी इकट्ठी हो जाए तो कई कई कर बक रहे बरांडो सुनो यही को फलाना को मोटियार अहियां से वो अहियां से या अहियां से कई कई खोज काट बक रहे पुरानी, तो बोले भाई देख करके खातन को सारी एक वहां के माई से एक सातन बोली ओ की सातन बोले देखो यार हमारी को मुंडो देख बागो इधर मुको ना देख या भी आज सोला श्रृंगार कर मैं कुआ के माड़ आ गई या बात कही ना एक दूसरी कहवा लगे मैं कोई धर्म कोई ना वह कहो कर चंद्र चढ़े सूरज बुझे दीपक जले हजार जिस घर में संतान ना उसे बार बार दिखा या बात कही कहता है मेरे सदनों खातन खातन का माथा माल मटको दर सो दहदने नीचे पड़ गयो पड़ता है मेरे सदनों के खातन मन के मायने सोच बा खातन खाती बतला करके खातन खाती बतला करके गांव छोड़ कर जाते, खातन खाती बतला करके गांव छोड़ कर जाते, लोगों ने जब हाल सुनिया वे दोनों को समझाते रे, लोगों ने जब हाल सुनिया वे दोनों को समझाते, बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे, बंसी वाला बनबाजी करे तगड़ा नाच नचावे, बंसी वाला खातन आपका घर के मायने भाग रही आकर के अपने पति से सारी बात बताई है पति देव,
आपने रहबागो द्रम को ना क्यों क्योंकि बोला के इंडे सांप की ठोड़ी इंडे पूत को मत हो गांव के मायने बस्ती में यहाँ तो आप सारो काम करा गांव में डोलना फिरा भी पानी पतुरो ले बना भी मत जाऊं अगर जब आया तो रोजी ना मेरा से ये लोग आया पता है आया कि तकरार करें तो बोले भाई पति देव मत हो गए 10 दिन भी कोई ना जी सकू तो इससे अच्छा यही होगा कि यहाँ से अपना रवाना हो जाओ या बात करके दोनों जने वहां से रवाना हो जाते हैं गांव का लोग देख रहे कोई मेड़ो ना खेलो ना आज दोनों आदमी कड़े जा रहे सुबह ही खाती कह वाला बोले भाई मारो रास्ता छोड़ दो यो गांव या बस्ती माता मारी बहरण हो गई क्योंकि भगवान माने संतान को ना दी ही कमाई मारो कोई बस थोड़ो ही से या बात कही कहता है मेरे सदनों पंच फैसला सुनावा लगा सब इकट्ठा होगा रे गांव का मायने भलो बुरो सब रहो अगर तो यहाँ का ये कमाई नहीं यहाँ की गलती से पंच इकट्ठा वेर कहवा लगा अगर अब कोई भी यहाँ ने जरा सभी तानू दे दी उसे टावर ठोली का 12 कमाई ने उनका 1100 दंड जुर्मानो करे 1100 रुपया जुर्माना का भोगना पड़ेगा ओ बोले भाई ठीक या बात कही पंच फैसला सुना दिया मना तो नारवान वापस ही ले गया तो मेरे सदनों एक दिन का समय के समय एक दिन की एक दिन खातन घर से घर से रवाना हुयो और कड़े जा रही हो से एक दिन खाती घर से चल कर एक बाग में आया एक दिन खाती घर से चल कर एक बाग में आया चंदन का एक पेड़ देख माली से मोल कराया चंदन का एक पेड़ देख माली से मोल कराया एक दिन खाती घर से निकले और एक बाग के मायने चले गए एक बाग में जा रहे एक चंदन को पेड़ देखे बहुत सुंदर सुंदर चंदन को पेड़ देख रहे उनको मोल करा लिया माली जी यो थारा चंदन का पेड़ के एक पेड़ी काट रहे दे और पीसा ले ले जो पीसा बने वही या बात कही कहता है माली कह बोले बोले भाई डाला का 50 रुपया पेड़ी का 150 रुपया बोलो तो मेरे सदनों तो बोले भाई कहते पेड़ी सही थी दे तो 150 रुपया का माँ ने पेड़ी सही थी चंदन का पेड़ ने खरीद लियो खरीद करके और मेरे सदनों घर आ गए घर ले आयो घर ले करके आ जाता है आर आपकी खातर ने कहवा लगे बावली तेरो बैठी ठाली को मन को ना लाग तो वह कहबो घर वाले भाई के आ रहे राजा राड करान बैठा ठाला काई तो ये तेरो बैठी ठाली को मन को ना लागे तो मैं तूने कहे की चीज बना दे रहे सू जो कहे मुंडास तो बोलेगी कोई ना बाकी रहेगी तो क्या बताया अरे बोले खाती तन ऐसी कला दिखाऊं मैं
हरदम जिसको रहे देखती ऐसी चीज बनाऊं मैं, हरदम जिसको रहे देखती ऐसी चीज बनाऊं मैं। ऐसी चीज बनाऊं मैं, ऐसी चीज बनाऊं मैं, हरदम जिसको रहे देखती ऐसी चीज बनाऊं मैं। चंदन की एक ये बात, चंदन की लकड़ी से हाथी ने विधि लगाई, चंदन की ले लकड़ी से हाथी ने विधि लगाई, दो घोड़ी और सुंदर सी एक लड़की तुरंत बनाई, दो घोड़ी और सुंदर सी एक लड़की तुरंत बनाई। ओ चंदन की लकड़ी से खाती के विधि लगाई, दो तो घोड़ी बताया सदनों, दो तो घोड़ी और एक सुंदर सी लड़की, बहुत ही सुंदर चंद्रमा सी शान सकल की बनार खड़ी कर, जना बीच आलिया का मान ले जार खड़ी कर दीर। कई बार बोल भाई अब के जब मैं कड़े उन्होंने सोलो भी चले जाऊं तो तेरा से या बतलाओ तो कोई ना, लेकिन ई कान तू देख देख तेरो मन बहला लीजिए। या बात कही बीच आलिया का मान बैठा दी। अब मेरे सदनों उन्हें बाबा रामदेव भक्तों का भीड़ी सदा ही साई है। बाबा रामदेव मन का मान विचार लगायो, बोला ऐसे ऐसे लोग भी बड़े भोले हैं कि भाई एक लकड़ी की सुंदर से एक लकड़ी की लड़की बना के और बीच आलिया में बैठा दी, यह बात थोड़ी करेगी। लेकिन बाबा रामदेव मन में विचार लगाए, लेकिन बोला भाई अपने प्रति भगवान भगवान के प्रति इस खातन के दिल में कितना प्रेम है, तो मैं जरूर जाऊंगा। तो मेरे सदनों के बतायो, खाती जाता रोज काम पे घर में खातन रहती, खाती जाता रोज काम पे घर में खातन रहती, आती जाती उस गुड़िया से, आती जाती उस गुड़िया से हरदम बोलिया करती, आती जाती उस गुड़िया से हरदम बोलिया करती। ओ
रहते गुड़िया से बतलाती के बोला बैठी थे हवा मुंडा थोड़ी बोलती जद भी आती वदी जद भी आती जदी बोलती हे बोला बैठी सके हम मेरे सदनों आपको यहाँ कर कर मन बोला वो कर। तो एक दिन का समय बाबा रामदेव उसकी भक्ति के ऊपर क्या प्रसन्न होकर के क्या भेष बना करके वहां से रवाना होते किस प्रकार खातने के द्वार के ऊपर पहुंच जाते हैं। अरे रामदेव जी एक दिन वासे रामदेव जी एक दिन वासे और रामदेव जी एक दिन वहां पर साधु वेश में आए प्यास लगी हूं प्यास लगी है पानी पिला दे मुख से न्यू फरमाए प्यास लगी देवी पानी पिला दे मुख से न्यू खातन कहवा लगी हे बाबा जी जबरदस्त प्यास लग रही है आपको पानी जरूर पिलाऊंगी लेकिन बैठो एक रोटी और सेक लो। आ बैठो हे महाराज बना के रोटी नीर पिलाऊं मैं बैठो हे महाराज बना के रोटी नीर पिलाऊं मैं हरदम जिसको रहे बात कही है महाराज जरा बैठो बैठो आप बैठ जाओगे थोड़ी देर के लिए मेरा भी मन लग जाएगा बाबा जी अभी एक रोटी सेक करके आपको मैं पानी पिलाऊंगी जरूर। ओ मेरे सदनू यह बात कही बोला देवी थोड़ा जल्दी पिला दे तो और भी अच्छा रहेगा। बोला नहीं महाराज एक रोटी तो सेक बाद थोड़ी देर बैठो। ओ मेरे सदनू इतनी कहते है बाबा जी महाराज बैठ गया तो वह तो मजाक करी के मजाक करी कौन से ऊन लकड़ी की गुड़िया से तो के मजाक कर रही से। अरे हंस करके खातन नो बोली हंस करके खातन गुड़िया से के बोली हंस कर खातन कई गुड़िया से छोरी नीर पिला दे छमछम करती लड़की कूदी छमछम करती लड़की कूदनु गगडवाल बताते छमछम करती लड़की कूदनु गगडवाल बताते सदनों हंस करके खातन ने बोली छोरी नीर पिला दे
और छम छम करती गुड़िया को दी न्यो कह गढ़वाल बता छम देनिया बात कहता है मेरे सदरों लकड़ी के गुड़िया के मायने बाबा रामदेव की कृपा से उसमें जीव उत्पन्न हो गया और छम देनी से लड़की कूदर पानी पावन त्यार ओ मेरे सदनों पानी पावन त्यार हुई होता ही देख करके खातना सोच में पड़ गई है भगवान या के विचित्र माया। तो मेरे प्रिय सदनों अब उधर सारा गांव के माने बेरो पड़ गए बोले भाई लकड़ी की गुड़िया बन गई लकड़ी की गुड़िया बन गई लकड़ी की गुड़िया बन गई सारा लोग इकट्ठा हो गया खाती ने बेरो पड़े खाती भाग रहा हो रही यो के चक्कर हो गयो खाती भाग रहा हो। तो मेरे सदनों बताया कवि ने और लकड़ी की गुड़िया ने देख करके खाती भी मन में घबरा गयो अरे श्री राम देव महाराज ने गुड़िया की लड़की बनाई श्री राम देव महाराज ने गुड़िया की लड़की बनाई श्री ओ गुड़िया की लड़की बनाई सॉरी आओ मेरे भाई मूर्ति की लड़की बन गई गांव के मामा चासोर जोर हाथ खाती बोलिया जान को हुआ है घोर इतनी सुने बाबा जी ने ये बात हाँ जोर खाती कहवा लगो हे महाराज या लड़की माँ को ना रखो क्यों क्योंकि 24 घंटा गांव के मा इन नाटक हो गयो तो मेरा जीवन जाने घर का मा ने बांधी को बच्चे पाल लियो और सब लोग इकट्ठा होता जाए आता जाता भी देखता जाए मैं तो दरी को ना रखूं। अरे मूर्त की लड़की बन गई गांव के मामा चैसो रे गांव के मामा चैसो ये बात मूर्त की लड़की बन गई गांव के मामा चैसो रे जोर हाथ खाती बोलिया जान को आए गोर लोग क्या कहेंगे बाबा लोग क्या कहेंगे बाबा देखो अब मेरी और इतनी सुने बाबा जी ने लड़की को फिर साथ लिया अति बात सुनता है बाबा रामदेव लड़की ने साथ में ले ली बोला ठीक से तो मैं रखूंगा इतने सुने बाबा जी ने लड़की को फिर साथ लिया आश्रम के अंदर आके तोड़ा दे का नाम दिया आनंद से रहने लगे खुशी रहता हदम जिया मेरे सदनों बाबा जी महाराज आश्रम का मायना आ गयो और एक नगरी मार एक श्रोमणी स्थान प्यारो स्थान बना लियो अलग ही और मेरे सदनों लड़की को के नाम रख दियो तोड़ा दे नाम रख करके राजकुमारी ना आपका कहना राग बल गयो अरे दुनिया में अच्छे काज ने कभी मिलती नहीं बुराई श्री राम देव महाराज ने गुड़िया की लड़की बनाई श्री राम मेरे सदनों इस प्रकार बाबा जी महाराज आश्रम बना लिया। अब आगे का हाल सुनो क्या हाल एक नगरी के अंदर एक जैसलधारी नाम का मेरे सदनों एक दाड़ाई रहा करता बहुत जोर का उसके नाम से बड़े बड़े योद्धाओं की भी जान घबराती दे देर ले आवे जना इधर में की भाभी कहवा लगे रे देवर
तू रोज ना दाड़ा दे देर लिया जिंदगी बरसाने तू दाड़ा ही दे तो रहो के अब मेरा सर रोटी को ना बने तेरा ताने ताजा ताजा फलका अब तो तू भी जवान हो गयो ना तू भी तेरी शादी करी और शादी के अब तो तू जवान हो गयो और तू तेरी शादी कर ले ही में फायदो तो या बात कही कहता है मेरे सदनों जैसल दाढ़ी रोटियां का रोटी खा रही हो तो रोटियां की थाली उठा रहे दूर फेंक दी फेंकता ही देख भाभी कहवा लगी बोले यार देवर बहुत होश करियो मैं तो जना ही जाना तो तू कोई परणनी की दूसरी का बोले भाई अब तो तू परणनी नहीं ले आवे और तू भी कहे हाथ का फलका खाए या बात कही जैसल दाढ़ी का तने बदन में लाए लगी तो फिर की भाभी के करी से और कहते देवरे एक बात और सुन ले एक बाबा जी महाराज ना जाने कैडा सा एक नगरी की नगरी के मायने सुंदर सो विश्राम बोला सुंदर सा आश्रम श्रोमणी स्थान बना बोला भाई बना राखियो से और उनके साथ में कही है इनकी सुंदर राजकुमारी उनके साथ में कही है कि सुंदर राजकुमारी से जो चंद्रमा सी लो इंद्र की अप्सरा जी के सामने लज्जित शर्मावो करे उन्हें ले यार बताओ ना आगे काब हाल कहूं जसल दाड़ी नाम सुनो घर गया भाभी बोली देवर मेरे काम सुनो बाबा जी के आश्रम अंदर आगे का अब हाल सुनो आगे का अब हाल कहूं जसल दाड़ी नाम सुनो आगे का अब हाल कहूं जसल दाड़ी नाम सुनो घर गया भाभी बोली देवर मेरे काम सुनो रोटी नहीं बनती करो शादी का इंतजाम सुनो बाबा जी के आश्रम अंदर सुंदर लड़की रहती है एक बाबा जी का आश्रम माई सुंदर लड़की रहती है सुंदर लड़की रहती है उसे जाकर शादी कर ले भाभी तेरी कहती है ये बात उसे जाकर शादी कर ले भाभी तेरी कहती है चाल पड़ा जैसल गाड़ी मन में गंगा बहती है सेठ जी और रस्ते में मिल गया सेठ जी धाड़ी न डाट पिलाई रस्ते में मिल गया सेठ जी धाड़ी न डाट पिलाई श्री राम देव महाराज ने गुड़िया की लड़की बनाई सदनों रास्ता कमाए ने शेठ जी मिल गए कड़े जा रही हो कि भाई उन तोड़ा देने लिया बाले बोला भाई तुमने बोली मारी से तो करे भी का हाथ का तुमने फलका खार बताऊं अब मेरे सदनों जैसल दाड़ी रवाना हो गयो रवाना होगा रास्ता में एक शेठ जी उधारा उधारी पाई रकम ले रहा छो डूबी हुई रकम जो खूब निका धनमाए धन धन दौलत ऊंट का माल छड़ रखियो अब मेरे सदनों शेठ जी मिलता ही बोला भाई आप तो बहुत जोर को काम हो गए कि ठीक है सुन शास्त्र मना रहा था दाढ़ी ने डांट पिलाई जैसल दाढ़ी बोलो ओ सेठ तेरे सामने देख तेरी मौत खड़ी से बताब कड़े भागर जाएगो या बात कहते हैं शेर दी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की हे महाराज हे राजा जी हे जैसल दाढ़ी देव बड़ा बड़ा धाड़ा दिया कोई बात को ना लेकिन आज मेरी एक बात मानी बाकी जो मैं धन दौलत ले रहा हूं या सारी तने दे जाऊंगा लेकिन तू मना जिंदो या बात कही कहता है मेरे सदनों जैसल दाढ़ी कहवा लगो रे भीख दान तो कोई न दे कोई भीख दान दे कोई मिंगता भिखारी कोई फकीर न दे मित्रों फकीर थोड़ो ही या तुम मित्रों कोई मिंग तो थोड़ो ही सो जो तुमने भीख दान में दे जाए तेरे को मार करके ही लूंगा या बात कही कहता है मेरे सदनों बाबा रामदेव को क्या शेर जी भी क्या बाबा रामदेव से करुणा पुकार करता है क्या बाबा रामदेव उसकी भी सहायता करते हैं तो बताया अरे ऊंट पर से पड़ गया सेठ जैसल दाढ़ी ऊंट पर से पड़ गया सेठ तने देने तैयार हुआ ये बात ऊंट पर से पड़ गया सेठ धन देने को तैयार हुआ भीख दान लेता नहीं दाढ़ी ने जवाब दिया
मार करके तुमको लूंगा सेठ को ऐलान किया, मार करके तुमको लूंगा सेठ को ऐलान किया। इतने में वहां रामदेव जी बाढ़ लेकर आया था, सेठ ने दे छोट बोल बाबा ने सुनाया था। बाबूजी कहवा लगो रे दाढ़ी इस शेर न छोड़ दे, और जो तुम आया धन माया ले बसाओ मेरे कान देख बाबा दी वरी। या बात कही तुम बोला रे क्या टका भरा वसा तेरे कना भी ले लूंगा तो, पर पहली शिकार सामने से उन तो लटवाल बादे। या बात कही बाबू रामदेव मेरे सदन उनके करिश्मो दिखा रहे उसे, सिर नंदे छोड़ बोल बाबा ने सुनाया था, सिर नंदे बोल छोड़ बाबा ने सुनाया था। दोनों को दो मार डार जैसल ने बताया था, जैसल धारी केवल जब दुनिया ने मार दूंगा ज्यादा करोगा तो। या बात कही कहता है बाबा रामदेव क्या करिश्मा अपना दिखाते हैं। हर कर दिया अंधा गढ़वाल के गराव राजेंद्र भाई, कर दिया अंधा गढ़वाल के गराव राजेंद्र भाई। श्री राम देव महाराज ने गुटिया की लड़की बनाई, और गुटिया की लड़की बनाई रे गुटिया की लड़की, और श्री राम देव महाराज ने। ओ मेरे सदनों या बात कही बाबा रामदेव अपना करिश्मा दिखाया, और जैसलधारी अंधो जैसलधारी अंधा हो गया। अब जैसलधारी अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है तब अब जैसलधारी ने क्यों कोई ना दिखे, क्यों को ना दिखे जैसलधारी सोचो रहा बोला यो के काम। तो मेरे सदनों जैसलधारी प्रार्थना की रे बोला अगर तो ऐसा वीर है तो मेरी आंख खोल फिर मैं तेरे को देखूंगा। बाबा रामदेव सेठ जी को लेकर के और अंतर ध्यान हो जाते हैं जैसलधारी की आंख दे जाते हैं। या बात कोई होता है जैसलधारी सोच रहा है यो के करिश्मो दिखा गयो यो कौन सो आदमी, पर कहे कोई बात को ना फिर विचार लगायो बोले भाई मेरा ख्याल कमाने तो कहे भगवान तो न सो। और मेरे सदनों जैसलधारी के मन में घायल हो गए, लेकिन कहे पाछे सोचांगा पहले त्या के जब गायब हो गए तो जावा दे, लेकिन कहे पहली तोड़ा देखा करने चाल रहा बाबा जी का आश्रम। नगरी में चले गयो, नगरी में चले गयो, नगरी में गयो इतना मेरे सदनों नगरी को सख्त पैरो के पैरो कि भाई नुगरो आश्रम कि भाई नुगरो इंसान आश्रम के मायने नहीं आ सकता। अगर जो नुगरो आदमी आश्रम में बढ़ जाए तो वह दोनों घोड़ी क्यों जो चंदन की लकड़ी की बनाई थी वो खाती, वहां ने भी साथ बाबा जी महाराज लिया उसको वह दोनों घोड़ी अयन की। नुगरो मानस जय आश्रम का मायने बढ़ जाए तो दोनों घोड़ी तुरा खूटो और भाग, दोनों घोड़ी तुड़ा खुटोर भाग जाए। तो मेरे सदनों जैसलधारी कहवा लगे बोला भाई एक औरत ने करने बोला, और मेरे सदनों उनके विधि पूछ रहे सर क्या वह औरत विधि बता रही सर के आश्रम के मायने जा रही। अरे बे माता का लेख कदे बे माता का लेख कदे कोई मेटर को ना पाया, जो जिसकी किस्मत में लिख रहा वो ही उसने पाया, जो जिसकी किस्मत में लिख रहा वो ही उसने पाया रे। धोखे से आ जाता दोनों घोड़ी, ये बात जैसल विधि लगाता रे 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 रे। जैसल विधि लगाता रे एक औरत से बतलाया,
जैसल विधि लगाता मेरे सदनु बोले भाई नगरी बोले आश्रम के मायने कहे जावे एक औरत के बल के बोले भाई एक बाबा जी का आश्रम के माय से बाहर से जाए छे गाड़ी ले और घास की भर मायने जाए छे अगर जब जाबो चावे से तो बोले भाई घास के मायने छुप करके तू जा सके ओ मेरे सदनु घास के मायने छुप कर जा रियो छे और के उन्हें के उंगड़वाल ने भोंदू बना रियो छे कौन जैसल धाड़ी तो बताया किस प्रकार चला जाता है औरत ने तरकीब बताई रे चुप के घास में जा रहा घास पड़ा जब घोड़ी बागी बाबा जी थकरा रहा घास पड़ा जब घोड़ी बागी बाबा जी थकरा रहा कोने में खोटी गटर कोने में खोटी गटवारा एक हाथ बिंदाया जो जिसकी किस्मत में लिख रहा वही उसने पाया जो जिसकी किस्मत में लिख रहा वही उसने घास के मायने सुपर चले गयो जार दह देनी घास ने गेरियो गेर ताई दोनों घोड़ी तुड़ार दोनों घोड़ी तुड़ार बागी और बाग ताई बाबा जी महाराज देख रहे कोई नुगरो मानस तो ना आ गयो तो बोल भाई घास पड़ो से ई जगह कूणा के मायने के जो खूटी गाडो घोड़े ने बांध अब मेरे सदनों जैसल धाड़ियां सूदो जार पड़ो जो सूदाया हाथ धरती माला टिक गया कूणे में खूंटी गटवारिया कूणा के मायने के जी कूणा में खूंटी गाड़ दो कोणा में खूंटी गाड़ रहा था जैसल धाड़ी का हथेली के बीच के माय जैसल धाड़ी की हाथ के हथेली के बीच में लगा खूंटी और खूंटी गाड़ दी अब जैसल धाड़ी सी सौड़े भी को न्या करियो अब के करे रे बोला बहुत बड़ो काम अब वो तो बाबा रामदेव था उसकी अद्भुत माया थी खूंटी कटवा दी तब अब उधर ही आश्रम का नियम था जैसे शाम का वक्त होते ही पूजा पाठ करते ही प्रसाद बाबा जी महाराज प्रसाद दिया करता जितने भी लोग कि भाई जितने भी लोग आश्रम के मायने रहबो करता वहां का पांती को अपने आप ही प्रसाद बरोबर को रह जातो अगर जो कोई एक दो आदमी लुखे छिपे भी रह जातो तो ऑटोमेटिक उनका भी प्रसाद रह जाता तो मेरे सदनों जैसे श्याम का वक्त हुआ और बाबा जी महाराज पूजा पाठ करके और प्रसाद ने बांटियो प्रसाद बांटियो जना सारा ने बांट दियो एक आदमी को बरोबर को सो प्रसाद रहेगो कौन को रहेगो जैसल धाड़ी बाबा जी देखो रहे यो के चक्कर से तो के बात बताया बोले भाई के घास ना ठाओ अर्ख जैसल धाड़ी घबरायो घास हटा बाबा जी बोला कौन बता के चावे एक शब्द नहीं बोला जैसली एक शब्द नहीं बोला जैसल कुछ भी नहीं बतावे एक शब्द नहीं बोला जैसली मांगण में भी सर बावे ओ र र र रे ससदनो बाबा जी महाराज घास को उठाया उठाते ही जैसल धाड़ी दिखियो रे बोला कौन है कहां का रहने वाला है एक जवाब भी नहीं दिया बोला महाराज मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बोला भाई तेरा प्रसाद ले बोला ऐसे नहीं लूंगा तो बोला आ मेरी बात मानो जब ही लेऊंगा बोला तो बता तेरी क्या बात है बाबा जी महाराज मेरी तीन शर्तें हैं तीन शर्तों को अगर आप मंजूर कर लोगे तो मैं आपके प्रसाद खा जाऊंगा नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा बता भाई तो बताया सदनो बाबा जी महाराज अंक कर लेता है बोला भाई जा तेरे तीन वचन है
मंजूर करता हूँ, जो भी तो मांगेगा वही मैं तेरे को दे दूँ। तो दरअसल दाढ़ी मेरे सजनों क्या मांगता है? अरे पहले बार मैं घोड़ी मांगी तुझे न राजकुमारी, रोटी बना रोटी बनवा वापस कर दूं भावज बोली मारी, रोटी बनवा वापस कर दूंगा भावज बोली मारी। कगड़वाल हंसा दुखहारी और रे के बतायो। बड़ा दुखी था कौन? भाभी के बोल सुनकर के बड़ा दुखी था, दिल में चुभते जा रहे थे। कहवा लगे बोले भाई पहले बार मैं घोड़ी मांगी, बोले महाराज पहला बार तो ये है कि भाई दोनों घोड़ी लो। रे 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 बहुत बुरा काम कर दिया, लेकिन ठीक है। पहले बार मैं घोड़ी मांगी दूजे में राजकुमारी, रोटी बनवा वापस कर दू भावज बोली मारी। या बात कही बोले कह गढ़वाल हंसा दुखहारी, बाबा जी महाराज को हंसी, बोले भाई दुखी है ही। कगड़वाल हंसा दू क्या? बोल भाई हंसा दुखहारी, राव राजेंद्र गाया जो जिसकी किस्मत में लिख रहा वो ही उसने। ओ मेरे सदनों या बात कही, या कहता ही बाबा जी महाराज कह बोले बोले भाई बड़ा दुखी है, जा अगर मैं तेरे को वसन ही दे दिए, वसन लोप नहीं हुए तो दोनों घोड़ी और राजकुमारी। घोड़ी बोले भाई रथ को जो लिया और रथ में बिठा करके तोड़ा देखो साथ में लेकर के जैसलधारी वहां से रवाना। तो सदनों संगत का एक बहुत प्रताप होता है, जैसल धाड़ी धारा दिया करता था। एक दिन बाबा रामदेव के आश्रम में जाकर के तोड़ा दे को राजकुमारी, बोले भाई तोड़ा दे राजकुमारी को संग में लेकर के और वहां से रवाना होता है। तो बताया किस प्रकार संगत का प्रताप एक बहुत ही बड़ा बताया गया। अरे संगत का प्रताप जगत में, अरे संगत का प्रताप जगत में जाने दुनिया सारी, सतसंगत से भूंडा मानसी बन जास हितकारी, सतसंगत से भूंडा मानस बन जास हितकारी।
के मायने बैठा थोड़ा देने साथ में ले रवाना हो ली। रास्ता के मायने मेरे सदनों गौचर के मायने गौचरी गौही गौचर रही वो देखो रे बहुत सूदो मौको मिल गयो तोड़ा दे वीर घोड़ी वीर अब साथ कमाए ने बगे जे कहबो करा आदत को न जाए आदत नहीं जाती है इंसान की तो मेरे सदनों दे गायन राजी हो गए भाई जी आने साथ में घेर तो गायन आगे धर ली तोड़ा दे कहवा लगे रे करम फूटा तू न शर्म को नहीं हाल तने भी तू आदत को ना छोड़ी देख तू बड़े के कोल कि भाई तू बड़े के कोल वचन कर रहा हूँ इसको बोले भाई मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ रोटी बनवा करके वापस कर दूंगा अरे तो तू गाय यहाँ गायने घेर गो तू उन्हें साथ में ले जा तो वहां ने तो तोड़ा दे कहर छुड़वा दी और रास्ता के मायने आग गया तो की वातावरण हुई चलते चलते रास्ते में एक चोड़ी नदियां आई चलते चलते रास्ते में एक चोड़ी नदियां आई तोड़ा दे जैसलन पकड़ के डुबकी एक लगाई रे तोड़ा दे जैसलन पकड़ के डुबकी एक लगाई ओ मायने चलता चलता एक चोड़ा पाठ की नदी आई मेरे सदनों नदी आई आता ही जय गोटा गोटा आई जैसल को पकड़ कमीज और मेरे सदनों तोड़ा दे एक शक्ति महान थी कोई कमन अस्थि नहीं थी बाबा रामदेव की बनाई हुई है कोई आल बाल औरत थोड़ी थी तोड़ा दे कि भाई सदनों तोड़ा देना आया क्रोध झड़ दे जैसल को पकड़ करके और चोड़ी नदी के मायन उतार ग्रहवान पकड़ लिया झटकनी सी चोड़ी नदी के मायने गोडा सुधा पानी उतार दी उतारो उतारता ही मेरे सदनो रत्न हाँक दियो जैसल कहवा लगे बावली यो के चक्कर से मारेगी के जान से पानी साखिर ने अब जैसल धाड़ी ने पानी को बहुत ज्यादा डर लाग बोकर से गोडा सुद आयो बता तेरी उम्र के मायने तू के पाप करिया कुण कुण ने लूटिया कुण कुण गरीबा ने सताया जय मेरे सदनों गोडा सुद आयो कमरिया कन आयो छाती का माड़ा आ गयो जाए कठागन आता था जैसे दाढ़ी सारी बात बताई रहे बोले भाई जानी बार मार गिरे सो तो के बता रहे से बोला धाड़ी लूटा मारा कुछ को बहुत सताया बोला धाड़ी लूटा मारा कुछ को बहुत सताया सगा भाण जा तक ना छोड़ा मोटा पाप कमाया सगा भाण जा तक ना छोड़ मैं मोटा पाप कमाया ओ बोला अब न करूंगा न्यू फरमाया सौगंध खाऊं तेरी सौगंध खाऊं थारी सतसंगत सर बूढ़ा मानस बन जा बोला दाड़ी लूटे मारा कुछ को बहुत सताया सगा भाण जा तक ना छोड़ा यो मोटा पाप यो एक मोटो पाप करो के कदे सगो भाण जो भी कोई ना छोड़े बोले नाका सुदो पानी आयो नाका कन पानी अड़पा लगे बोले बावली भाण जाने भी को छोड़ो ना या लसा बात आ गई या बात कही कहता है मेरे सदनों बा जान गए कि भाई
अब मन की आत्मा जो इंसान बता देता है, मन गवाह दे देता है कि भाई साफ बात हो, जर्देनी बाण जाओ नाम लेता है, गर्दे ऊपर चढ़ा ली। बोला भाई अब ना करूंगा, न्यू फरमाया सौगंध खाऊं, तेरी सौगंध खा गयो और मेरे सदनों वंडे पहुंचो, वंडे पहुंचो, पहुंचता ही सदनों भाभी नजार कहवा लगो जैसल धाड़ी, देख भाभी देख तेरो देवर जैसल धाड़ी, जो तू कही सी ना तोड़ा दे नाम की सुंदर राजकुमारी से बाबा जी का आश्रम ऊन लियार बताओ, मैं तो जना ही तू न मानूंगी। बोला ये बावड़ी अब के माने की, अब देख तेरी सकल कहें की हो गई, मेरे सदनों का हाथ की रोटी खा के जैसल धाड़ी वापस उन रथ में बैठा करके वहां से रवाना हो गया और बाबा जी का आश्रम आ गया। बाबा जी का आश्रम आया तो उनकी आत्मा की भावना को देख करके कौन तोड़ा दे। बाबा जी का आश्रम का मायन आर हाथ जोड़ के बोले, हे महाराज ये बड़ा इंसान हो गया और ये आज से जैसल धाड़ी नहीं, ये जैसल धाड़ी नहीं, ये आज से महान भक्त जैसले हो गया, जो कि संसार में सदनों नाम कमा गए। कौन जैसल, जैसल धाड़ी का नाम, धाड़ी नाम निशान मिटा करके तोड़ा दे और जैसली हो गए। तो क्या उनके धूमधाम से बाबा जी शादी करता है तो बताया है कवि ने, बाबा जी तोड़ा दे संग उसका ब्याह रचाया, बाबा जी तोड़ा दे संग उसका ब्याह रचाया, सिमु दयाल गढ़वाल कहे मीठा भजन बनाया, सिंबु दयाल गढ़वाल कहे मीठा भजन बनाया, ओ जैसल दाढ़ी, जो दाढ़ी का नाम निशान मिटा करके जैसल भक्त और तोड़ा दे की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है।